हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ द चैप्टर सॉल्यूशन एनसीईआरटी एक्सरसाइज। इसमें है स्टेट हेनरी लॉ एंड मेंशन सम इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस। तो हेनरी लॉ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बोर्ड में आने के चांस रहते हैं कि एक दो मार्क्स को पूछ ले ऐसे करके, ठीक है। तो हेनरी लॉ है क्या? हेनरी लॉ स्टेट दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस। बेसिकली हेनरी लॉ बताता है गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कैसी होगी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस पे। इसके कुछ एप्लीकेशन क्वेश्चन में पूछा है, वो ये हो जाएगा इन डीप सी डाइविंग इन एरेटेड वाटर दैट इज सॉफ्ट ड्रिंक। तो इसको कैसे समझ सकते हैं, एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट को कैसे समझ सकते हैं? जैसे कोई भी अगर डाइवर है और अगर उसको अंडर वाटर जाना है तो वहाँ पे क्या होगा, अगर वो हीलियम की गैस यूज़ करेगा तो बेटर रहता है। क्यों? क्योंकि हीलियम की गैस होती है एक न्यूट्रल गैस, अनरिएक्टिव गैस। तो अगर वो पानी के अंदर जा रहा है, वहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो अगर पार्शियल प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है उस गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, उस गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो अगर वो कुछ और गैस को लेके जाएगा जैसे नाइट्रोजन को या फिर कुछ और गैस को, तो क्योंकि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है उसके ब्लड में उस गैस की, तो वो हार्म करने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए बेटर होता है कि अगर हीलियम लेके जाए, क्योंकि अंडर द वाटर प्रेशर बढ़ता है, सॉल्युबिलिटी गैस की बढ़नी ही है हर हाल में, तो इट इज़ बेटर कि अगर हम अनरिएक्टिव गैस का यूज़ करें उस जगह पर। फिर सेकेंड है इन एरेटेड वाटर दैट इज़ सॉफ्ट ड्रिंक। अब सॉफ्ट ड्रिंक में कैसा होता है, जैसे आपने कभी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ओपन की होगी तो एक आवाज़ निकलती है जिसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है उस आवाज़ के साथ। तो जब हम बॉटल का ढक्कन खोलते हैं तो होता क्या है, उसको हाई प्रेशर के अंदर बंद किया होता है कंपनीज़ में, वो इस तरीके से पैक हो के आती है कि कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर हाई प्रेशर के साथ अंदर पैक है, उस कोल्ड ड्रिंक के साथ कार्बन डाइऑक्साइड है। तो क्योंकि अंदर हाई प्रेशर में एक गैस है, तो वो जो गैस है वो उस लिक्विड में अच्छे से सॉल्यूबल होगी, और अच्छे सॉल्यूबल होने की वजह से वो थोड़ी पीने में अच्छी लगती है। बट अगर आप उसको उसके ढक्कन को बहुत देर तक ओपन करके रख दो, या फिर कुछ आपने ऐसे किया कि एक घंटे पहले उसका ढक्कन ओपन कर लिया और एक घंटे बाद आप उसको ले रहे हो, तो उसमें उतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि उसकी गैस की जो चिलनेस है वो थोड़ी ख़त्म हो जाती है, कुछ इस टाइप का आप समझ सकते हो। तो ये था हेनरी लॉ एंड इसके कुछ इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन। बाकी अगर ये ज़्यादा नंबर में पूछे तो आप इन दो एग्जांपल्स को या फिर वैकेंसी इन एप्लीकेशंस को और डिटेल में एक्सप्लेन भी कर सकते हो। सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 12।